घाह वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होया पे, काफ़ी ज़्यादा फसलें की कटाई वगैरह उदो करांगे जो काफ़ी ज़्यादा वड्डा वड्डा हो गया ना। जिहड़े लेट ने हुण तक जिहड़ा अगर समझ खवा पिवा ही लैणा सी, हुण बेगम साहिबां बना रही इन्हां वास्ते चाय वगैरह। काम देख लो इन्हां दे आखे सी खेलू आ, ते ओ देखो कित्थे भज के जिहड़ा अगर गए खड़े ने। ओ वे पिछों पिछों वेखदा भी पई ते ऐ देखो ओ ओ गई, पता नहीं किसी की कुछ फड़ी फिरदी। ओ ओ देखो ओ देखो गई 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 भाजी। एक दा एक इस बूटे नूं बेंगन लग्या सी, वो भी खराब हो गया, पता नहीं की चक्कर होया। वैसे ही दिल करता इस बूटे नूं पट के अंदर ला दईए। बिल्ली किसी दी ना कोई शै फड़ी फिरदी आ, ऐ नूं जिहड़ा कहिंदा भाजी। और मैं देख रहा कल एक हमसाया ने ते शताला वगैरह साग यानी साग जिहड़ा कहिंदा ला दित्ता माशाला। अज ना एक भाई आया है, वो हमसाया समझ लो कि है परली साइड ते ऐ जमीन हुंदी आ ऐ जी पई हुई है, ए खाली ठीक आ। वह ताड़ी जी है जे किले दे पई हुई है ये वाली जमीन हूँ कही। मैं यार इतों ना अद्धा किला जरा करना सानू दे कटने वास्ते, बंदे तो अच्छे है कि दे देवे मेरे ख्याल ही दे देवे, क्योंकि पहली बार जिंदगी उन्होंने कोई काम क्या, क्योंकि इतने होर तो नज़दीक ही मिलती नहीं पई। तो इतने दिल हैगा अगर ये मिल गई ना तो इतने अपना शताला गढ़ने अद्धा किला जरा शताले का गढ़ दिता। मैं कहना भावें दस मझा भी रख लिया ना मुकदी शाय कोई नहीं, देखते हैं बाकी जमीन इतों नज़दीक मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि उधले तो पट्ठे गड्ढे ने साढ़े अज वढ़ के आवेंगे, क्योंकि अब्दुल रहमान अज कार ही छुट्टी सी अज तो अज उधर जावे, लेकिन इतने नज़दीक होवेंगे तो इतों जल्दी वटी जाते हैं। उधर फिर जाना काफ़ी मुश्किल अगे बनेगा, अगर तुम्हें पता सर्दियाँ आ रही, सर्दियाँ धुंधा में ना उधर जाना काफ़ी मुश्किल आ। हाले तक एक मझ होर लै ली ना तो होर जड़िया जिम्मेदारियां बढ़ जा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, की हाल चाल ने जी सारे। ओह बोले 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 तोते बोले तोते बोले मोटू पत्थरू जड़े है ना, या मेरी आवाज़ सुनते हैं ना बोलन लग जाते जोर जोर से। और बेगम साहब अज पका रही है जी, कल भी गोश्त पाया कि तुम विखाया से, अज भी वही सालन ही बनाया अज, लेकिन ना खाना तुम कई बात है मजेदार काम होया पा ना। हाँ अज कल मटर ते गोश्त सी ते अज पकाया है जी आलू ते गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी चेक करो हड्डियां वड्डियां हड्डियां विच पईयां होईयां ने, गोश्त वाले हड्डियां देती मैनूं तां पता ही होण लगे। हुण वेख्या रिपेयरिंग वगैरह थोड़ी बहुती चल रही आ, दरवाजे की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की, साइडा सूडा लिपाई वाली रह गई सी कर दी है जी। तुहानू दिखाने हैं जी चूल्हा, काफ़ी सारे बहन भाई अगर नहीं देखा तो मेरे दूसरे चैनल पर जाके विलेज फूड से ठीक आ, उत्थे मैं ब्लॉग पूरा अपलोड कर दिता है, उत्थे जाके तुसी इस चूल्हे की वीडियो देख सकते हो ठीक आ। तो एक चूल्हा होर स्टार्ट कर दिता है, देखो चूल्हे की नींह जी रख दी है, ये चूल्हे की नींह होंगी है। ए आला चूल्हा मुकम्मल तौर पर ना कड़े का बनाया ठीक आ, तो मसल बड़ा मजबूत है, बड़ा जबरदस्त है, टुटन बजन वाला काम ही कोई नहीं, मसल काफ़ी दिन निकल जाएंगे, उम्मीद है सर्दियों चार दिन निकल जाएंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी देखने की बनता है। अपने लिए मजबूत बनाया ऐ रहा जी चूल्हा ठीक है, बिल्कुल खुश्क होया पे इन हूँ सुबह तो आप इस्तेमाल करिए। उपर वाली साइड तो लोहे की ग्रिल लाई हुई है, जिन्ना मर्जी उत्ते वजन आए जो कुछ मर्जी पकई, लेकिन करते इस्तेमाल वास्ते है, मसल ज्यादा देते सालन वगैरह नहीं पका सकते, चाय वगैरह रोटियां या माड़ा मोटा इतना सालन वगैरह पक सकता है, इतने देगा नहीं पक सकती। हाँ देगा वाला वड्डा चूल्हा ही बनावांगे, कदे कोई मेहमान वगैरह आ जाते जिस पतीला वगैरह चंगा रखना पै जाता ना, उस तरह का चूल्हा एक ना एक घर होना चाहिए, लेकिन असं ज्यादातर कद ज्यादा हो तंदूर के उपर रख दें, पतीला वगैरह थले साइडा इटा रख के ना उपर चूल्हा रख के इतने पका लिया। हाँ जी बाकी किमें का लग्या चूल्हा दसो, तो जाके पूरी वीडियो जी है ना वेखो ये मैं बनाया किमें किमें, जिन्हें बनाया वो जाके वीडियो वेखे। करीबन 2 साल हो गए मैं अपना ना चैनल बंद किया होया ठीक है, मैं उदे व्लॉग पाते ही कोई नहीं, मैं हूँ सोच रहा कि मैं अपना चैनल भी ना चालू करना, तो इनशाला मेरे चैनल पर को महीने में 3-4 ब्लॉग जेड़े ना पक्के आया करेंगे, मसलन को चूल्हिया दे या एक्स्ट्रा कोई ब्लॉग ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं तो 3-4 तो पक्के आवणगे ना। हाँ इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि चूल्हे चलो एक है बनाया, 2-4 होर बना के मसलन कोई ना कोई चीज बना के ना है चूल्हे सेल करेंगी। ना एक भी नहीं सेल करना, बिलकुल ए भी बनाया होर भी बना रहा, उस तो होर भी बनावांगा, लेकिन सेल नहीं करने नहीं करने, बस मैं पहले भी काफ़ी सारे चूल्हे बनाए थे, तकरीबन कोई 30-40 चूल्हा बनाया से, लेकिन एक भी मैं चूल्हा सेल नहीं किया।
बिलकुल नहीं करने क्योंकि इतनी जिन्नी मेहनत करने आना वो 200-300 रुपए का सेल होना है की करेंगे 200-300 रुपया 200-300 रुपए का किलो एक कौन समझ लो कि चीनी का नहीं आता। गर्मियों के अंदर मट्टी का काम करना थोड़ा जहा मुश्किल होता है, सर्दियों मट्टी का काम करना थोड़ा जहा आसान होता है, लेकिन मसला इस करते हैं गर्मियों चूल्हे वगैरह कोई चीज़ बंदा बनाता है ना तो जल्दी खुश्क हो जाती, तो सर्दियों खुश्क नहीं आती है मसला। तनिया का इंतजार कर करके ना तनिया पाई साहब नहीं फुटिया 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 धनिया फुटिया। ओ देखो एक बच्चा निकलिया खड़ा है इतने कितने गया देखो ए बच्चा निकलिया हुआ इस पौधे के थले देखो एक आला ठीक है एक धनिया सिरे फुटे इन्दे विच एक नज़र आ रहा इन्दे विच शायद कोई होर ही फुटे हो नहीं नहीं बस एक ही फुटे 10-15 दिन ठहर के ना फिर इन्दे विच जिहड़ा कि दोबारा तनिया लावांगे इंशाल्लाह। बाकी उस घर दे विच ना मजीद और काफ़ी सारियां सब्जियां लावांगे जिवें ही मसल मौसम आया इंशाल्लाह उन्दे विच लावांगे मिर्चां टमाटर और इस बारी ना टमाटर ते मिर्चां जिहड़े हैगे ना VIP किस्म के जिहड़े कि लाने ने जिहड़े बहुत ही आला नसल के होवन बेहतरीन मसल कोठे कोठे जिहड़ियां बेलां होवनगियां हाँ मजाक नहीं करदा कोठे कोठे जिन्नियां बेलां होवनगियां उन्हां दियां टमाटरां दियां ते इन्ने ने दो दो मण एक एक बेल ते टमाटर लगन क्या बात है सही है। हाँ वो इतने है समझ लो कि गड्ढे ने सब्जियां सुब्जियां काफ़ी सारे भैन भाई जानते होवन कि अंजम सोया उन्हें पिछली दफा ना लाए से टमाटर तो मैं गया ना वेखे से मेरे वो बी बड़ा पसंद आया काफ़ी ज़्यादा उन्हें टमाटर लगते हैं मांडे डेढ़े के एक वल से लगते हैं वो बी लैके आना उन्हें को उन्होंने पनीरी ला दी है तो जो ही होगी ना तो उन्होंने को पनीरी ले आवेंगे उस गारे च लावे सही है दीवार के नाल टोका साडा खराब हो रहा लख रुपये की आइटम है और इनका सिर्फ खराब इस करके हो रहा आवाज़ बड़ा करता पाया तो फसदा भी हूँ बड़ा पा बैरंग तो नहीं टुट गया कि पता नहीं कोई तो इन मसला है बहुत ज़्यादा वजन नहीं होया पाया हूँ मोटर भी जी है ना बंद होन पैंदी ये मेरे ख्याल तेल का ही ज़्यादा मसला है आज ना ऑयल इन वास्ते ना लैके आने इंशाल्लाह। बच्चों अज छुट्टी सी स्कूल दे विच्चों मिठू पत्र बोलणगे मोटू पत्र बोलिया नहीं है क्यों मोटू 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 बोलिया नहीं तू है बोलिया नहीं मिठू ए हम चक मार दे बड़े ही लड़ते रहते आपस के वैसे सेहतमंद और हम ना मुकम्मल तौर पर ना जवान हो चुके हैं बिल्कुल इन्होंने साइज हूँ अच्छा खासा है पहले छोटे छोटे होंगे सी तो हूँ देखो माशाल्लाह किन्ने वे वे हो गए हैं लैबा गाजर खत्म नहीं हो गई है गाजर खत्म नहीं हो गई देखो सारिया इन्होंने एक किलो गाजर लैन दी सी सारिया दी सारिया गाजर ना इवें कट के खा गए चलो सलाद के बच्चों अच्छिया ने सेहतमंद इस करके मैं रोकिया ही नहीं टोटल गाजर एक भी नहीं गाजर पई सारिया गाजर खा गए और मिठू पतलोर वास्ते एक कार भी लाना सी देखो ए हूँ थोड़िया बहुत पी भी चक के खा गए गाजर ही नहीं पई हुई इन्होंने वास्ते ना कार बनाने हूँ सर्दियों के जिंद जगना रहन गए इन एक्सट्रा कोई लकड़ उपर वाली साइड से या साइड से जगना लाने मुंडे तो बच्चे पता नहीं कदों देवे इनका जोड़ा है ना पता नहीं आ लेकिन इन्हों का कार्ज इन्हें जरूर लाने ताकि अंडे बच्चे देवन क्योंकि इतने तो इन्होंने जोड़ा है ना देने नहीं है अज चल के तहूँ वो वाला जोड़ा घर भी जोड़ा है ना दिखाने कि उत्थे जोड़ा का वगैरह कड़िया बूटे वगैरह कड़े से की हालत है उन्होंने व्डे हुए ने का कि होया वो भी चल के तहत दिखाने उन्नी देर बेगम सबर रोटी वगैरह पका लेगी तो फिर अम्मी बुरा नहीं बुला के लैम के रोटी पक गई आ जा खा लो और टाइम तकरीबन हाँ नहीं हाले तक नहीं आए वो गए हुए ने किधरे चाबियां नाले लाए के गए चलो मैं फिर जेड़ा करना ते उन्होंने आए फिर जावांगा मैं भी लकड़ा चाणिया सी तो चाबियां उन्होंने कोल सी चाबियां उनदियां होर भी ने पता नहीं वो मैं लबना लबना क्योंकि चाबियां तकरीबन कर दियां ना तीन तीन चाबियां सी ते एक एक उन्हां कोल चाबी आ ते बाकी दो दो मेरे ख्याल किते गोमे इन्होंने करतियां ने अब्दुर रहमान नूं पता होणा है अब्दुर रहमान आ उन्हां कोल पुछ लेंगे ना किथे हां चलो आंदा है अब्दुर रहमान ते उन्दे कोल जेड़ा करना पुछणे आ चाबियां होर भी जेड़ा चार पांच छे बल्कि होर होनियां तीन उन्हां कोल ने ते छे चाबियां होर ने हाँ वो जेड़ा लभ के रखने ताकि एक टाइम लकड़ा या कोई काम वगैरह होंगे ना तो बंदा कर लेंदा है माशाल्लाह देख के जेड़ा दिल खुश हो रहा है क्या बात है जी गार्डन बनना स्टार्ट हो गया है का वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होया पे काफ़ी ज़्यादा फर हलेन की कटाई वगैरह उदो करांगे जो काफ़ी ज़्यादा वड्डा वड्डा हो गया ना जेड़े माड़े माड़े गैप वगैरह नज़र आ रहे ना इतने भी सारा का वगैरह फुट गया ना
फिर जिहड़ा हैगा इहदी कटाई वगैरह करांगे इंशाल्लाह। और अनार थोड़े बहुते छड्डे सी मैं, ऐ देखो बचाए सी खड़े होए माशाल्लाह सही सेहतमंद। अच्छा ज़्यादा तोड़े सी ना मैं, तो उनके नाल फायदा यह होया कि जिहड़े अनार खड़े सी वह ज़्यादा मोटे होने शुरू हो गए ने, यह भी नाल फायदा होया। ऐ देखो माशाल्लाह और उस साइड ते एक बहुत वड्डा अनार खड़ा होया। ਇਹ ਸਾਲ ਨਾ ਨਿੱਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੂਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗਾਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। और ए देख अंडा अज फिर मुर्गी ने लाया। अंडे तो चार पाँच होए पे ने, लेकिन असी जो है मुर्गी ने रखना कोई नहीं, मुर्गी ने जो है ना वापस दे के आना जो लैके आती थी, क्योंकि बल्कि एक लैन दी सी तो तीन उन्होंने वापस कर रहे हैं। दूसरिया मुर्गियां भी बड़िया वड्डिया हो गई ने। सही नहीं? हाँ जी। रोटी वगैरह अलहमदुल्ला जी पक रही है। अच्छा इस अंडे कि रखने फिर आपे ही रख ली है। हाँ इतने पी होना बेटो किन्ने हो गए? चार पाँच हो नहीं गए। अलहमदुल्ला जी रोटी पानी खा के टाइम हो गया जी। पठिया वगैरह का भी तो कुछ मेहमाना भी टाइम जगना देना सी, लेकिन ये आए पूरा घंटा अद्धा घंटा लेट ने। हूँ तक जगना समझने खवा पिवा ही लेना सी। हूँ बेगम साहब बना रही इन्होंने वास्ते चाय वगैरह। और सब खैरियत है बाबी? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक ने? हाँ इन्हों की जी बच्ची की तबीयत खराब हैगी आ, इनू दस रहा सी जो है ना शुगर है। अल्लाह पाक के वैसे काम ने। एक बार पहले भी इन्होंने मेरी मुलाकात हुई थी, तो उदो भी दसते पे तो मैं देख के ना हैरान हो गया। मैं यार हाल इस समझ लो कि साड़ी लैबा की उम्र दी में ना। हाँ लैबा की साड़ी उम्र दी आते बेचारी जो है ना शुगर है। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक इन जो है सेहत दे। शुगर भी तो होर की है, गुर्दियां का मसला। सही सही, अल्लाह पाक इन सेहत दे। तो भाई और चैनल भी है, तो मैं तुम्हें चैनल का जो है थोड़ा जि विजिट कराना, तो इन्होंने जाके ना सपोर्ट करनी है। मसलना जाके चैनल में सबसक्राइब करो। चलो तुहाडे देखण नाल जिहड़ा हैगा ना इन्हां दा कोई घटदा सरकर सुरकर चल जाएगा। बाकी इन्हों का घर बार इन्हों जाके चैनल भी तुम देख सकते हो, क्योंकि हुण मैं तां इत्थे अपने घर बैठा मैं इत्थे नहीं दिखा सकता। जाके इन्हां दे चैनल में सबसक्राइब करो। चैनल पहले मैं तुहानूं दसना फिर जाके सबसक्राइब। और मोबाइल कढ़ो ना तुहाडा चैनल दिखाने। तो सारिया भैन भाइयों ने नहीं जाना तो, लेकिन कुछ ना कुछ जाके ना सबसक्राइब करो ताकि इन्हों की ना हौसला अफजाई तो हो। बड़ी मुश्किल के नाल इन्ना सारा चैनल कढ़िया एस आई विलेज फैमिली। हाँ जी, बाकी साढ़े समझ लो कि पिंड के नाल एक जिहड़ा है ना पिंड है, उत्थे जिहड़ा है ना व्लॉग बनाते हैं। समझ लो कि साढ़े हमसाए पिंड वाले ने, ठीक है। मतलब दूरों ज़्यादा मेहमान नहीं आए, तो अगे भी समझ लो कि साडा टकराव वगैरह होंदा रहिंदा। तो लेकिन काफ़ी दिनों में मैं कहन लगे कि नवाद भाई तुहाडे घर आना है, घर आना है। मैं कौन तुम जरा दस देव, लेकिन पिछले तकरीबन मेरे ख्याल दिन ने दसिया परसों दसिया जी, परसों ने कहा मैं ख्याल तुम जरा जुमे वाले दिन आ जाए तो आराम सुकून फिर बैठा। लेकिन तकरीबन लेट आया, अगर थोड़ा जहा टाइम पहले आ जाता ना तो फिर तो वाह वाह टाइम इनके को बैठी आ। लेकिन हूँ भी इन टाइम देंगे वाह वाह सारा कुछ। चाय वगैरह बेगम सामने उतो बिस्कट वगैरह भी लैके आ लैन देने। बस सही है, चाय तो तैयार भी हो गई आ। मेहमान खाना अज ना इतने बाहर ही ला लिया। बाकी इन्होंने चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन थले भी है, अगर किसी सर्चिंग करके ना मिले चैनल से लिंक पर जाके क्लिक करके इन्होंने चैनल पर जा सकते हो। तो अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि मैं क्या उधर बिठा के बैठा के चाय वगैरह पिलावन ना, मैं क्या इतने बैंक लिया जा के तो देसी माहौल अज जगह ना बनाइए। तो क्योंकि उधर वैसे भी शोर वगैरह होंगे रहा, तो व्लॉग बनाना काफ़ी उत्तर मुश्किल हो जाता है। उत्थे ना अंधेरा है, हाँ लाइट वगैरह उधर ज़्यादा बंदोबस्त कोई नहीं ना। चलो ठीक, चलो सही है। मेहमान विलाग वगैरह भी बना रहे हैं, तो चाय वगैरह बिस्कट वगैरह उन्होंने खिला दिते ने। बच्ची ने शुगर हैगी सी, तो उन्होंने फिर ना बेगम साहब ने कहा दुध लिया दे। उन्होंने मैं दुध जो दुध तो मेरे ख्याल शुगर कुछ नहीं होंगे, नॉर्मली चीज़ होंगी। और यह बच्चों के मैं पिछे आया भी असं उत्थे बैठे हुए हैं, तो यह देखो इन्हों के काम। ओ देखो दो उन्होंने दोवों के काम देखो। अब्दुल हादी साहब के, अब्दुल वहाब साहब देखो कितने बज के चले गए। और रूह जी ना उजड़ चुकी है, यानी ना खत्म हो गई है। इनकी हूँ कटाई वगैरह हो रही है, सुबह भैंस जी है ना बाहर क्ढा इंशाल्लाह। काम देख लो इन्हों दे। आखे से खेलू हाँ, तो ओ देखो कितने भज के जगह गए खड़े ने। पिछों पिछों वेखता भी पे तो हसदा ही पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस जो है ना बुलाया
अगे अगे जो निकलते जा रहे क्योंकि अजकल दरम्याना जहा मौसम है ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडा का मसल है दरम्याना जहा मौसम तो सप वगैरह ज़्यादा होंगे अयो ये चीज़ा और देखो दोवान से जुत्तियाँ पाइया तो अब्दुल हादी साहब ने जुत्ती नहीं पाई हुई है ए पुल ना ना बनी होंगी फिर नहीं है गुजर के जाते तो जो दी पुल बनी है नस जाते हैं बाकी सारिया छड़ो तुम इस काम चेक करो ए मलंग दे सूरज बिल्कुल गरूब हो गया थोड़ी जी लेट हो गई असं आए हुए पट्ठे वड्डन वास्ते का भी तो नाल थोड़ी थोड़ी जी चमकी है और मक्की देखो माशाल्लाह काफ़ी वड्डी वड्डी हुण हो गई है चोण ना गुजारा मुजारा चलता पिया और एक शायद तुम होर विखाव मक्की ने सिट्टे जड़े है चक लेने वे कीड़ा शीड़ा पिया हुआ माड़ा मोटा है देखो मक्की भाई साहब सिट्टे भी लगे खड़े ने वाह 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 पकाना चाहिए तो पका भी सकने असल च ना हूँ मैंने समझ लग गई है इस बार इवें समझ लो कि ना एक्सपैरीमेंट से पहली बारी गड्डी आ नैक्सट टाइम इनशाला इनशाला उतरी दफा गड्डिया ना तुम चारा देखना कि प्यारा होंगे इनशाला रात हो गई है बिल्कुल ही असं जहाँ हूँ पट्ठे वढ़ के ना जा रहे हैं जी घर न पट्ठे पुट्ठे वढ़ के घर अलहमदुल्ला जी पहुँच चुके हैं मोटू पतलू के खाल पर ए रखे ने मैं आख ठहर के जोड़ा है अंदर लै जाने हाँ जी ए देखो जी पट्ठे वगैरह कुतर के पाने जी मझ नू बाकी अज का व्लाग भी खत्म करने इनशाला होंगी है जी कल मुलाकात खुदा हाफिज़ सलनी के बान मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकिया ए सारे घर में सैटिंग वैटिंग करन वाला क्योंकि होर भी काफ़ी सारे काम एक तो इंटरनेट का मसला बनया हुआ कल सारी दिहाड़ी शहर से समझ लो कि तकरीबन 2-3 बजे तो रात से मैं शहर गया तो तकरीबन सारा दिन ही लग गया रात के 8-9 बज गए व्लाग अपलोड करते करते तो अज फिर उ जरा मसला है तो अज फिर जरा जाना पे बेगम तुम मुड़ पुत्र सुधर के पाओ चलो ठीक तो मैं जरा फिर चलना।